दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन में आपका जो पावर बटन है और यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन है एक साथ दबा देते हैं या धोखे से आपसे दब जाता है, तो तुरंत ही आपके फोन का जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर ले लिया जाता है। ऐसा आपसे जाने अनजाने में यहाँ पर होते ही रहता है। और यहाँ पर आपका स्क्रीन जो एक उंगली आपके पावर बटन पर रहती है, दूसरी उंगली वॉल्यूम बटन पर रहती है, तो यहाँ पर आप जैसे ही आप इसे पावर बटन प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम बटन साथ में ही दब जाता है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पर ले लिया जाता है। इस सेटिंग को आप बंद कैसे करेंगे? यहाँ पर जो सेटिंग आप देखेंगे नीचे आपको दिख रही है, पावर एंड वॉल्यूम डाउन बटन, यानी वॉल्यूम का जो डाउन बटन है वो दब जाता है और पावर बटन दब जाता है तो भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। ये सेटिंग हमने निकाली कैसे, आप कैसे निकालेंगे, बंद करना भी यहां पर आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, यहां पर आपको इसे बंद करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहां पर जो चालू है यहां पर इस तरीके से बंद कर देना है। अब आप पावर बटन और यहां पर आपको जो वॉल्यूम डाउन बटन जो है यहां पर इसे एक साथ दबाएंगे तो यहां पर अब आपका स्क्रीनशॉट यहां पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सेटिंग को हमने निकाला कैसे वो आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए। चलिए यहां पर हम इसे बैक लेते हैं। बैक हमने यहां पर इसे लिया। बैक लेने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर इसकी जो सेटिंग्स होती है सेटिंग को आपको निकालना है। सेटिंग को आप निकालेंगे कई सारे सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आपको एक सेटिंग देख लेनी है, एडिशनल सेटिंग आप देख सकते हैं। आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट वाली एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी। आपको इस स्क्रीनशॉट वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रही वो नीचे सेटिंग पावर एंड वॉल्यूम डाउन बटन, जिसे हमने बंद करके रखा है। यहाँ पर चालू होगी तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे बंद कर देना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। जानकारी